नागपुर से वाराणसी जा रही एक यात्रियों की बस अनियंत्रित होने से 5 से 10 फुट खाई में गिरने से एक महिला यात्री मामूली रूप से घायल हुई तो अन्य घायल हुए हैं। सौभाग्य से दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। हादसा हिवरा बाजार से पौनी तुमसर राजमार्ग पर बरघाट के सौदनी शिवार में सुबह 4 बजे हुआ। घटना के समय ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। खबर थी कि बस क्रमांक MP50PI 080 नागपुर से वाराणसी उत्तर प्रदेश जा रही थी। बस में अवैध यात्रियों के साथ साथ 80 से अधिक यात्री सवार थे। RTO विभाग चौकी है और तुरंत खुमारी के एक टोल गेट है, इसलिए ड्राइवर ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लगाई गई संचार बंदी से बचने के लिए मंसर रामटेक हेवरा बाजार से पौनी आ रहा था। बस तेज गति से चल रही थी और घटना स्थल पर एक मोड़ के कारण चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क के पास एक खाई में पलट गई। फिलहाल तालाबंदी के वजह से दूसरे राज्यों की बसों को अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी हाईवे क्रमांक 44 पर आए दिन बाहर राज्य की बसें दौड़ रही है। पुलिस विभाग और RTO विभाग का किसी प्रकार का इस पर नियंत्रण नहीं है। यह विशेष कोरोना काल में दिए गए दिशा निर्देशों का किस प्रकार नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। यह यात्री बस पलटने से घटना सामने आ रही है। BCN न्यूज के लिए पौनी देवलापार से संवाददाता की रिपोर्ट।